सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम अब बनाने वाले हैं, हमारे मम्मी बनाने वाले हैं आलू ब्रेड रोल। तो चलिए पहले इसको क्या करना, आलू को पहले अच्छी तरह उबाल लेना। तो आप देख सकते हैं ये गरम गरम है। इसके बाद इसका अपन ऐसा निकाल देंगे, सब कुछ निकालने के बाद इसको अच्छे से क्रैश करेंगे। पहले तो अपन इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। तो ये है पहला आलू। नेक्स्ट, तो आप लोग का नाम सुने होंगे, आलू ब्रेड रोल बोली थी मैं, तो ब्रेड तो ज़रूरी है, तो मैंने ये ब्रेड की पैकेट ली है, ये ब्रेड। और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे देखो, छोटी छोटी तरह से कट हुए प्याज, और यहाँ पे है टमाटर, और ये हमारे मम्मी देखो मीट मसाला डाल रहे हैं इसमें। तो चलिए प्रोसेस देख लेते हैं, बहुत आसान है। देखिए हाँ, अब हम अब क्या करेंगे, ये आलू को अच्छे से स्मैश कर लेंगे। मेरे रुक रहा भी नहीं है आलू, देखो। तो इस तरह से हम इसे एक एक कर कर सारे आलू को स्मैश कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये मैंने इसको कितना नरम किया है, मतलब स्मैश किया है। तो चलिए इसमें इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं। तो चलिए पहले हम प्याज को डाल लेते हैं, उसके बाद हम डालते हैं टमाटर। चलिए हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हम इसमें नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे मटन मसाला। तो उल्टा डाल रहे हैं हम, तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी थोड़ा डाल लेंगे। इसके बाद थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा नहीं, और थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल लेंगे हम। तो चलिए हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। इसमें डालेंगे चिल्ली धनिया पाउडर, इसके बाद हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर, और कुछ डालना चाहेंगे आप अम्मी जी? तो हमारे अम्मी कोथमीर। तो चलिए हम अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये है मिल्क ब्रेड। तो चलो अब इसको हम खोलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है ब्रेड, बड़ी नहीं है, छोटी है। चलिए देखते हैं। तो पहले इसे हम इसके फोर साइड्स काटेंगे। तो असर की ऐसा हो रही है, मेरा भाई पुकारा कर रहा है। तो फोर साइड्स ये जो भी है ना, ब्राउन ब्राउन, वो काट लेंगे हम इस तरह से। तो हाँ, तो हमने ये ब्रेड के चारों कोनों को काट चुके हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा बेलेंगे। आई नो ये बड़ा नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा, मगर फिर भी हम थोड़ा सा इसको पतला करेंगे। तो इसको पतला करने के बाद जो हमने ये मिला के रखा है आलू, तो हम इसको इसमें डालेंगे। मैं अभी तो थोड़ा ही डाल रही हूँ क्योंकि ब्रेड छोटा है। तो आप तो क्लिक आप लोग देख सकते हैं, तो हमने इसको अच्छे से रोल किया है, यहाँ ऊपर भी थोड़ा सा करना चाहिए। तो हम इसको डीप फ्राई करेंगे। पहले तो हम पूरे ब्रेड में ये आलू लगा लेंगे, उसके बाद डीप फ्राई का आपको बताएंगे। तो जो हमने ब्रेड के चार कोनों को काटा था ना, वो है ये। तो हम मैं नमाज़ असर की नमाज़ पढ़ के आया तक हमारे अम्मी इसको पीस के रख दिए। चलो देखेंगे आगे का प्रोसेस अपन। तो हमने इसमें आलू रख लिया है। तो हम अब पहले इसमें कॉर्नफ्लोर आटे में पानी थोड़ा सा डालकर हम इसमें थोड़ा सा भिगो लेंगे। उसके बाद ये जो है ना, फोर साइड्स अपन कट करके ग्राइंडर में डाल लिए थे, उसको अपन अच्छी तरह से इस तरह से
कर लेंगे इसको अच्छी तरह से, ये लगने तक अपन करेंगे, उसके बाद अपन साइड में रखेंगे, बाद में हम फुर्सत से तलते बैठेंगे। उतले से दिखाओ। तो आप देख सकते हैं ये सब हमने कर चुके हैं, अब इसको तलना है, तलेंगे, डीप फ्राई करेंगे। तो हमने ये सारे फोल्ड करके रख चुके हैं, तो अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं तेल बहुत गर्म हो चुका है, तो हम इसको फ्राई कर लेंगे, फ्राई होने के बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। तो गाइस, हमारे ये पोटैटो ब्रेड रोल तैयार हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी हैं, आपको दिखने में पता चल रहा होगा। तो हमारे साथ है ये केचप, और आप लोग चाहे तो मेयोनीज भी डाल के खा सकते हैं, हमारे पास फ़िलहाल तो मेयोनीज नहीं है, अगर आप लोगों चाहते हैं तो लीजिए। तो चलिए हम इसको तोड़ कर बताते हैं। तो देखिए, हमारे मम्मी तोड़ कर भी बता रहे हैं आपको। वाह, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से पक चुके हैं ये। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल आयशाज़ क्वीन, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।